We will start from question number 15 of exercise 5.3. Question number 15 में क्या है? A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. Means एक construction job में अगर time पर work complete नहीं होता तो उसमें एक fixed date के बाद penalties given है कि कितनी penalty लगेगी अगर काम time पर complete नहीं होगा. 200 for the first day. फर्स्ट डे के लिए ₹200 की पेनल्टी लगेगी. मतलब अगर वर्क एक दिन लेट होता है तो कितने पे करने पड़ेंगे पेनल्टी? ₹200. सेकंड डे 250, थर्ड डे 300 एंड एटसेट्रा. द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे. मतलब जैसे ही डेज बढ़ते जाएंगे ₹50 आपकी जो पेनल्टी है वो एक्सटेंड होती जाएगी. मतलब ₹50 ऐड होते जाएंगे उसमें. How much money the contractor has to pay as penalty? It has delayed the work by 30 days. कि जो contractor है उसको total कितनी money pay करनी पड़ेगी as penalty के रूप में. If he has delayed the work by 30, अगर वो 30 days तक उस work को delay करता है, मतलब 30 दिन काम अगर late कर देता है, तो उसे total कितनी penalty भरनी पड़ेगी. Total मतलब हमें क्या find out करना है, इसमें sum निकालना है आपको penalties का total. डैट मीन्स हमें SN फाइंड आउट करना है. कितने डेज के लिए फाइंड आउट करना है? 30 डेज के लिए. तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30. और जो ये आपको ऑलरेडी टर्म्स गिवन है 200, 250, 300, 50-50 का डिफरेंस है इनमें, सेम डिफरेंस है. डैट मीन्स टर्म्स किस में हो जाएंगी? हमारी AP में. ठीक है, तो सबसे पहले हमने राइट कर लिया कि जो गिवन पेनल्टी है फॉर डिले ऑफ कम्प्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, एक सर्टेन डेट के बाद अगर वर्क लेट होता है तो जो पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी वो कितनी हो जाएंगी? फर्स्टली 200, फिर नेक्स्ट डे लेट हो गया तो 250, 300, 350 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है? एस 30 निकालना है कि 30 डेज के लिए अगर हम लेट कर देते हैं वर्क को तो टोटल कितनी पेनल्टी हमें भरनी पड़ेगी. तो एस मतलब टोटल मतलब सम, 30 डेज का मतलब एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास? 30. अब फर्स्ट टर्म यहाँ से कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू 200, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 250 माइनस 200 विच इज इक्वल्स टू 50. ठीक है, अब ए है, डी है, एन है, क्या निकालना है? एस एन निकालना है. तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, एस एन निकाल दिया. अब n की वैल्यू क्या आएगी? 30. 30 बाय में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 प्लस n की वैल्यू है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 50. अब कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ गया? 15. 2 की मल्टीप्लाई 200 से 400 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई 50. ठीक है, अब नेक्स्ट में 15 इंटू 400 प्लस 29 की 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1450. अब 1450 में 400 को क्या कर देंगे? प्लस कितना आ जाएगा? 1850. अब 1850 की 15 के साथ मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी कितना आएगा? 27750. मीन्स अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज तक वर्क को डिले करता है तो उसे टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? ₹27750. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. मतलब यहाँ पे टोटल जो मनी है ना वो कितनी है? 700. ठीक है, अब टोटल मनी है डेट मीन्स सम है हमारे पास. एस एन की वैल्यू कितनी आ गई? 700. अब इस 700 को यूज़ करना है कितने कैश प्राइजेज में? 7 कैश प्राइजेज. मतलब 700 रुपीज़ के 7 प्राइज हमने बच्चों को देने हैं. ठीक है, तो 7 कैश प्राइजेज मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? एन की वैल्यू 7, एस एन कितना आ गया? 700. ठीक है, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 बच्चों को हमने कैश प्राइज मतलब पैसे उनको देने हैं, कैश प्राइज देना है. कितने रुपीज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? टोटल 700. अ
ऑफ ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइस, मतलब हर एक जो प्राइस है ना वो अपने पहले वाले प्राइस से 20 कम होता जाएगा, ठीक है, 20 लेस देन द प्रिसीडिंग, मतलब पहले प्राइस जो भी है नेक्स्ट वाला उससे 20 कम, फिर नेक्स्ट उससे 20 कम, मतलब मान लो जैसे कह दिया कि पहला अगर 80 का है तो दूसरा उससे 20 कम मतलब 60, 20 कम 40, इस टाइप से आपकी सिक्वेंस चलेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, मतलब सभी प्राइस की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट प्राइस कितने का है, सेकंड प्राइस कितने का है, थर्ड, एंड इस तरह से टोटल 7 प्राइजेस की आपको वैल्यू बतानी है कि कितने कितने के वो आएंगे, ठीक है। तो क्या SN कितना है हमारे पास, 700, टोटल मनी थी 700, 7 प्राइस देने हैं तो N की वैल्यू 7, D की -20, बिकॉज जो हमारा वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, कि जैसे था ना कि मान लिया फर्स्ट प्राइस हमने माना 80, नेक्स्ट मान लिया 60, क्योंकि जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो उससे 20 रुपीस कम होता जाएगा, ऐसे ही 40। तो अब D जो हम निकालेंगे वो क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 60 माइनस 80 कितना आएगा, -20। तो इसलिए क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती तो D क्या होगा, नेगेटिव, और कितना दिया हुआ है 20 कम है तो माइनस का 20। बस अब SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 700, N की वैल्यू 7, 7 बाय 2, अब 2A, A की वैल्यू हमें निकालनी है, N की वैल्यू 7 माइनस 1, D की वैल्यू माइनस का 20, जो जो वैल्यूज थी सारी पुट अप कर दी। अब 700 ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर डिवाइड इक्वल्स टू के इधर साइड पे आएगी तो उस केस में उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ब्रैक आ गया हमारे पास 2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस का 20, अब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, ये 100, 100 टू ज़ा 200 विच इज इक्वल टू 2a, 6 की मल्टीप्लाई माइनस 20 के साथ माइनस का 120, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 120 आ गया। अब माइनस 120 यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 120, 2a एज इट इज। अब 200 प्लस 120 320 विच इज इक्वल्स टू 2a, अब 320 बाय में 2, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, a की, तो कितना आ गया 160, तो मतलब जो फर्स्ट प्राइस हुआ वो कितने रुपीस का आ गया, फर्स्ट 160, ठीक है, एक वैल्यू 160 है तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस 160। अब उसके बाद बोला गया था कि जो हर एक प्राइस है उसके बाद वो उससे 20 लेस होता जाएगा अपने प्रिसीडिंग प्राइस, मतलब पहले वाले प्राइस से। तो अब नाउ ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइस, सो वैल्यू ऑफ ईच प्राइस क्या हो जाएगी, फर्स्ट की कितनी है 160, तो नेक्स्ट उससे 20 कम मतलब 140, नेक्स्ट उससे 20 कम 120, फिर 100, देन 80, 80 के बाद 60, 60 के बाद 40, हमें टोटल कितने बनाने हैं, 7 प्राइजेस, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 160, फिर 20 कम कर दिए 140, 20 लेस 120, उससे 20 लेस 100, 80, 80 के बाद 60, 60 के बाद 40, ठीक है। तो बस ये क्या गिवन था हमें, टोटल प्राइस हमें पता था, मतलब वो SN की वैल्यू हो गई, और N स्टूडेंट्स को देना था, मतलब 7 कैश प्राइजेस देने थे, डैट मीन्स वो N की वैल्यू हो गई, और जो हमारी जो उन्होंने बोला कि सिक्वेंस जो नेक्स्ट है वो 20 लेस होती जाएगी, तो मतलब वहाँ से हमारी D की वैल्यू आ गई -20। अब SN हमें गिवन है तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, N और D की वैल्यू हमारे पास है, SN की वैल्यू है, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, A की वैल्यू 160, जो कि फर्स्ट प्राइस की वैल्यू थी, मतलब रुपीज़ 160, तो बस उसके नेक्स्ट के उसे 20 लेस करके फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब एक स्कूल में बच्चों ने ट्रीज को प्लांट करने के बारे में सोचा स्कूल में, ठीक है, ताकि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। अब इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट
विल बी द सेम एज द क्लास, कि उन्होंने डिसाइड किया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज मतलब जितने कितने ट्री वो मतलब कितने कितने ट्री वो प्लांट करेंगे, ठीक है। ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास, मतलब हर क्लास के जो बच्चे हैं कि वो उतने ही ट्री प्लांट करेंगे कि जिस क्लास में वो हैं। जैसे कि मतलब ए सेक्शन ऑफ क्लास वन विल प्लांट वन ट्री, जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो वो एक ही ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड के हैं तो वो टू ट्री, थ्री के हैं तो थ्री, इस अकॉर्डिंगली कहाँ तक चलेगी वो क्लास 12 तक, ठीक है। मतलब जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो वो एक ही ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड क्लास के हैं सेकंड सेक्शन के तो वो टू, एस थ्री के हैं थ्री, फोर के फोर, अप टू कहाँ तक हैं ट्वेल्थ क्लास तक, कि मतलब जिस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं वो उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेंगे। और उसके बाद कह रहे हैं कि देर आर थ्री सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के थ्री थ्री सेक्शन है, हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कि टोटल कितने ट्रीज जो है प्लांट होंगे बाय द स्टूडेंट, मतलब टोटल निकालना है, डेट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, एस एन, ठीक है। एक चीज़ ये क्लियर है ना, उन्होंने बोला कि फर्स्ट क्लास के बच्चे एक ट्री, सेकेंड क्लास के टू, थ्री के थ्री, ऐसे ट्वेल्व तक, और ऐसे ही हर क्लास के थ्री थ्री सेक्शन है। तो अब थ्री सेक्शन है, अब इसमें जैसे फर्स्ट क्लास के मान लो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड थ्री सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास का फर्स्ट सेक्शन के बच्चे एक ट्री, ऐसे सेकेंड सेक्शन के वन, थर्ड के भी वन, तो जो फर्स्ट क्लास के टोटल ट्री हो गए वो कितने हो गए, थ्री। ऐसे ही सेकेंड क्लास के तीन सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन के बच्चे टू ट्री, सेकेंड सेक्शन के वो भी टू, थर्ड के वो भी टू, तो ये कितने हो गए टोटल सिक्स, ये हो गए थ्री फर्स्ट के, सेकेंड के हो गए सिक्स, ऐसे ही थर्ड के फर्स्ट सेक्शन के भी थ्री, सेकेंड सेक्शन के भी थ्री, थर्ड सेक्शन के भी थ्री, वो नाइन। तो हर केस में क्या हो रहा है, हर मतलब क्लास के थ्री थ्री सेक्शन है, तो हर क्लास के हमें पता है कि कितने कितने वो ट्री प्लांट करेंगे, तो थ्री सेक्शन है तो उस सबकी थ्री से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो मतलब फर्स्ट क्लास के जो होंगे टोटल थ्री ट्री, सेकेंड के सिक्स, नेक्स्ट के थ्री थ्री जै नाइन, फोर्थ क्लास के ट्वेल्व, ऐसे ही सो ऑन चलेगी। तो लास्ट में आपको टोटल बताना है कि जो एस एन निकालना है हमें, ठीक है, कि वो कितना होगा, कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो सभी क्लासेस के बच्चों के द्वारा और उनमें जितने भी सेक्शन हैं उनके द्वारा प्लांट किए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास यही है, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय ऑल द थ्री सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के वन टू थ्री से लेकर ट्वेल्व तक क्लासेस हैं हमारी, सभी में जो है थ्री थ्री सेक्शन है, तो उन सबकी थ्री से क्या हो गई मल्टीप्लाई, तो जो हमारे पास ट्रीज की काउंटिंग आई वो कितनी आ गई, थ्री सिक्स नाइन एंड अप टू सो ऑन 36। अब हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, सम निकालना है कि टोटल कितने ट्रीज हमने प्लांट किए हैं, डेट मीन एस एन निकालना है। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, थ्री, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है। डी कितना आ गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सिक्स माइनस थ्री, मतलब कि थ्री, ए है डी है। अब एन कितना होगा इसमें, अब टोटल क्लासेस हमारे पास कितनी है, वन से लेकर ट्वेल्व तक, मतलब टोटल क्लासेस कितनी हो गई ट्वेल्व, सो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ट्वेल्व। अब ए भी है डी भी है एन भी है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, एस एन। अब आप इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द लास्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू 36, तो लास्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू ए एन कितना हो गया 36। अब आपकी मर्जी है, लास्ट टर्म वाला भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल वाला भी। क्या होता है लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, एन बाय टू इंटू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म, एन की वैल्यू 12, 12 बाय टू इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस एल की वैल्यू 36। बस एक चीज आपने यहाँ ध्यान रखनी है, एन की वैल्यू आप 36 नहीं लोगे, एन की वैल्यू 12, क्योंकि क्लासेस तो टोटल कितनी है 12 ही है ना, बाकी 3-3 तो उनके क्या हैं सेक्शंस हैं, तो इसलिए एन की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 12। अब 2 6 12, तो 6 मल्टीप्लाई 36 प्लस 3 39, अब कर दो बस इनकी मल्टीप्लाई, कितनी आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई 234। तो मतलब जो 12 क्लासेस के सभी जितने भी 3-3 सेक्शन हैं उन सब के द्वारा जो टोटल प्लांट्स किए गए हैं, मतलब जो टोटल ट्रीज प्लांट किए गए हैं वो कितने हो गए 234 ट्रीज, ठीक है। सो आवर फाइनल आंसर इज 234 ट्रीज।
Now question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. देखो इस टाइप से ये आपको फिगर दी हुई है, ये स्पाइरल्स दिए हुए हैं हमें, मतलब जैसे ये ए और इन सेंटर से, ए सेंटर से, ये देखो ये स्पाइरल्स बने हुए हैं, ये सेमी सर्कल्स, ये फर्स्ट सेमी सर्कल ये हो गया, फिर ये की हो गया, इस टाइप से सेमी सर्कल्स आपके पास दिए हुए हैं. अब अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी. नाउ स्टार्टिंग विद सेंटर, ए सेंटर से स्टार्ट किया हमने सर्कल, सेमी सर्कल्स बनाने. अब रेडियस उनकी कितनी कितनी दी हुई है, फर्स्ट की रेडियस होगी जैसे इस वाले की 0.5, फिर सेकंड वाले की रेडियस कितनी हो गई 1, थर्ड वाले की 1.5, फिर 2.0, इस टाइप से सभी आपको रेडियस दी हुई है. वट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स. मतलब जैसे ये हो गया फर्स्ट सेमी सर्कल, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से अगर कंटिन्यू रखे और टोटल 13 सेमी सर्कल्स बना दें हम, ठीक है, सेमी सर्कल कितने बना दे टोटल 13, तो उनकी जो है टोटल लेंथ कितनी होगी. अब टोटल लेंथ निकालने का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, SN, ठीक है. और लेंथ ऑफ स्पाइरल मतलब इसकी सेमी सर्कल की लेंथ, लेंथ का मतलब उसकी क्या होती है, बाउंड्री, और सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसका मतलब क्या होता है, उसकी सर्कमफ्रेंस, क्या होगी उसकी सर्कमफ्रेंस, ठीक है. जब भी आपको बोला जाए कि इसी सर्कल की या सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड आउट करना है, लेंथ का मतलब होता है उसकी सर्कमफ्रेंस. आपको देखो मेंशन भी है L1, L1 मतलब फर्स्ट वाले सेमी सर्कल की लेंथ जो कि उसकी बाउंड्री है, L2 का मतलब सेकेंड वाले जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ, डेट इज L2. अब सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr, बट हमें किसकी लेनी है, सेमी सर्कल की. सेमी सर्कल की लेंगे तो उसमें 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब कि क्या हो जाएगी, πr. तो सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी हो जाएगी, πr. और रेडियस आपके पास सभी की गिवन है, अब उसकी बस क्या फाइंड आउट करनी है हमें, टोटल लेंथ, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, SN. नाउ राइट कर ले, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस क्या होती है सेमी सर्कल की, 2πr/2, मतलब हाफ ऑफ सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, πr. अब जो रेडियस दी हुई है हमें सेमी सर्कल्स की सेंटीमीटर में, वो क्या है, 0.5, 1.0, 1.5, 2 एंड सो ऑन. अब उनकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ क्या होती है, πr, ठीक है. तो फर्स्ट सर्कल की हो जाएगी πr1, सेकेंड की πr2, πr3 एंड अप टू सो ऑन. अब पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, वो आपको गिवन भी है, या लास्ट में राइट है टेक पाई इसको 22/7, तो पाई के प्लेस पर रख दिया 22/7, फर्स्ट r1 मतलब फर्स्ट रेडियस 0.5, ऐसी पाई 22/7, सेकंड रेडियस 1.0, थर्ड रेडियस 1.5 एंड सो ऑन. अब हमने इनका क्या फाइंड करना है, सम निकालना है, क्योंकि टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको. तो अब 22/7 सभी वैल्यूज में है, तो हमने ओवरऑल कॉमन ले लिया 22/7. अब क्या बच गया हमारे पास, 0.5 प्लस करना है सबको, प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0 एंड सो ऑन, कितनी टर्म्स लेनी है टोटल, अप टू 13. अब देखो ये सीक्वेंस किस में बन रहा है, एपी में है, 0.5 और 1 इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 0.5. अब 1.5 में से 1.0 माइनस करूँगा, ये भी 0.5 डिफरेंस है, 2 में से माइनस करोगे ये भी 0.5, तो डैट मीन्स जो ये पूरी सीक्वेंस आ गई वो किस में आ गई, हमारी एपी में आ गई. तो एपी में आते ही जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 0.5, और डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 0.5, और एन की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल कितनी टर्म्स का निकालना हमें, 13 टर्म्स का. अब SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और ये 22/7 एज डिसाइड करेंगे. पहले SN का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें कितना निकालना है, 13 टर्म्स का, 13/2 2a, a की वैल्यू होगी 0.5 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है. और इस पूरे की ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22/7, ठीक है. तो 22/7 तो साथ में मल्टीप्लाई में ओवरऑल रहेगा आपका. अब 22/7 मल्टीप्लाई क्या है, 13/2,
टू की मल्टीप्लाई 0.5 के साथ कितनी हो जाएगी 1, कि 1.0, तो पॉइंट के बाद 0 लिखने की नीड नहीं है। प्लस 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5, 12 5 जा 60 और पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 6, 1 प्लस 6। अब 22/7 13/2 इंटू 6+1 कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 के टेबल पे कैंसिल कर दो 11 आ गया। तो बस अब इनकी मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा 143। टोटल जो 13 सेमी सर्कल से उनकी टोटल लेंथ आ गई 143 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी 22/7 आप साथ में भी लेके चल सकते हो, अदरवाइज पहले आप सिंपल ये टर्म स्पीक करो, उनका सम निकालो और लास्ट में 22/7 राइट करके उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब ये जो टोटल लॉग्स हैं ये कितने हैं 200 हैं। ठीक है, तो टोटल आते ही वो क्या हो जाएगा हमारा SN, SN कितना आ गया 200। अब 20 लॉग्स इन द बॉटम, जो सबसे नीचे वाली है उसमें है 20 लॉग्स, उसके बाद नेक्स्ट में हो गए 19, फिर 18, मतलब 1-1 कम होता जा रहा है। 20 इन द बॉटम, 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे उसके बाद जो चलेंगे वो 17, 16, इस टाइप से आपकी टर्म्स चलेंगी। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। मतलब ये पता नहीं कि कितनी रोज में, मतलब ये टोटल है 200, अब 20, 19, 18, 17 इस टाइप से जब हम रख रहे हैं तो कितनी रोज में जाके वो कंप्लीट हो गई। तो नंबर ऑफ रोज मतलब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू। एक चीज क्लियर होगी क्या निकालना है, एन। उसके बाद एक और चीज पूछी है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, जो सबसे ऊपर वाली रो होगी, मतलब सबसे ऊपर वाली मतलब जो हमारी लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, तो an हमें फाइंड आउट करना है लास्ट में, और n की वैल्यू वही आएगी जो हम यहाँ से नंबर ऑफ रोज से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो अब ऐड कर लिया, sn की वैल्यू 200, टोटल लॉग्स थे 200 और जो उन्हें रखा हुआ पहले में 20, 19, 18 एंड सो ऑन। फाइंड आउट क्या करना है हमें, n फाइंड आउट करना है और सेकंड थिंग फाइंड आउट करनी है an। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 20, फर्स्ट टर्म 20 है। D की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 19 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस का 1। A है, D है और SN है, क्या निकालना है हमें N। तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला, N बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी। एन की SN की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 इंटू ए के प्लेस पर 20, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज इट इज, डी की वैल्यू माइनस का 1। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू एन, 2 मल्टीप्लाई 20 400 प्लस, अब माइनस 1 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एन की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस एन, माइनस 1 की माइनस 1 के साथ माइनस माइनस प्लस का 1। अब ये कितना हो गया 400 विच इज कॉस टू 40 एन माइनस एन स्क्वेयर प्लस एन, एन की कर दी सबके साथ मल्टीप्लाई। अब 400 इक्वल्स टू 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41 माइनस एन स्क्वेयर एज इट इज, 40 प्लस 1 एन 41 एन आ गया। अब सबको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, एन का स्क्वेयर प्लस का 41 है तो माइनस का 41 एन और प्लस का 400 एज इज, बिकॉज ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, अब इसको सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू निकालनी है एन की। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर करने के लिए क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 400 आए और उन्हें सबट्रैक्ट, देखो या प्लस का है या माइनस, तो इसे एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों साइन सेम। जब भी आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी उस केस में जो दो फैक्टर होंगे उन दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के। ठीक है, जब भी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों माइनस के होंगे, अगर ये भी पॉजिटिव होती तो दोनों प्लस। ठीक है, तो क्लियर है। अब ये प्लस है तो दोनों साइन सेम,
और ये नेगेटिव है, मतलब दोनों साइन कैसे होंगे, माइनस की। ठीक है, तो फैक्टर हो जाएंगे इसके 25 और 16, माइनस का 25n माइनस का 16n, दोनों सेम साइन आएंगे और दोनों माइनस के, तो माइनस का 25 माइनस 16 ऐड कर सकते हो। 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41। देखो माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन नेगेटिव, इसलिए जब माइनस 25 और माइनस 16 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 41। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई 16 से 400 आएगी और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस 400 एज इट इज। अब पेयरिंग बनाएंगे इन दोनों का, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, n, तो अब n माइनस का 25। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 16। अब जैसे ही मैंने बार माइनस कॉमन ले लिया तो अब अंदर से माइनस बाहर आ गया, तो क्या रह गया यहाँ पे, प्लस का साइन, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बार माइनस होगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो माइनस का 16 था यहाँ पे, तो अब ये प्लस का हो गया, अब नेक्स्ट प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। 16 वन जा 16, सॉरी 16 टू जा 32, कैरी 8, 16 फाइव जा 80, तो n माइनस 25। आगे दोनों सेम, तो n माइनस 25 और नेक्स्ट क्या बच गया, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से n की वैल्यू, एक तो माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और एक n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, दोनों में से वैल्यू आएगी, n की 25 और n की वैल्यू 16। अब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी, ठीक है, बट क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं, n की वैल्यू 2 होंगी, होगी तो n की वैल्यू सिंगल ही, तो अब ये कहाँ से पता लगेगा कि इनमें से कौन सी वैल्यू n की आएगी और कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी, वो हमें सेकेंड टर्म क्या फाइंड आउट करनी है, an की जो टॉप रो थी उसमें टोटल कितने स्टैक्स होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम an निकालते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब मान के चले इफ n की वैल्यू कितनी है, 25, तो क्या मान लिया n की वैल्यू 25, दो वैल्यूज आई है ना 25 और 16, पहले मान लिया हमने n की वैल्यू 25 है, तो अब अगर an निकाल लेंगे, मतलब a 25, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 25 माइनस वन 24d। अब a की वैल्यू कितनी है, 20, प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, 20 माइनस 24 कितना आ गया, माइनस का 4। अब मतलब ये कह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर वाली रो में होगी उसमें माइनस का 4 स्टैक्स होंगे, क्या ये पॉसिबल है। अब जब ये हम कोई भी चीज़ प्लेस कर रहे हैं आप, तो आप उसे ये देखोगे ना कि पहले में जैसे 20 की है, फिर 19, 18 इस टाइप से, या फिर अगर ऐसा आएगा कि एक रो ऐसी होगी जहाँ कोई है ही नहीं, वो फिनिश हो गई वहीं तक। ठीक है, तो कभी भी जो नंबर ऑफ कोई भी थिंग्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो लॉग्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो डेट मीन्स जो n की वैल्यू 25 थी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि नंबर ऑफ जो लॉग्स हैं, क्योंकि जो ये 25 है ये माइनस 4 है, ये नंबर ऑफ लॉग्स आए हैं, नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकते, सो जो n की वैल्यू 25 है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड। n की वैल्यू 25 तो आ नहीं सकती, अब 25 नहीं आ सकती तो मतलब कौन सी वैल्यू आएगी, 16, तो n इज इक्वल टू 16 आपका आंसर हो गया। और बट हमें अभी भी क्या निकालना है, a 16, a 16 मतलब a प्लस 16 माइनस 1 15d, और a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 20, तो 20 प्लस 15 इंटू d की वैल्यू कितनी थी, माइनस 1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 बन जा 15, तो 5। ठीक है, तो मतलब टोटल जो रोज हो गई वो 16 हो गई, और जो सबसे ऊपर वाली टॉप रो है उसके अंदर टोटल कितने लॉग्स होंगे, 5। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या, ये एक पोटैटो रेस हो रही है, उसमें एक बकेट रख दी हमने एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर, एक बकेट हमने रख दी। ठीक है, ये बकेट है। अब उसके बाद क्या बोला हुआ है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना उससे बकेट 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, पोटैटो रेस में हमने एक बकेट रखी है,
जो हमारा पहला पॉइंट है वो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. और जो ये सॉरी या फर्स्ट पोटैटो है कि मतलब जो फर्स्ट पोटैटो बकेट से वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसके बाद जो भी पोटैटोज रखे हुए हैं वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर है. पहला 5 हो गया, नेक्स्ट वाला डिस्टेंस फिर 3 मीटर, उसके बाद फिर 3 मीटर. इस टाइप से आपके वैल्यूज दी हुई है कि अब देर आर टोटल 10 पोटैटोज हैं. ठीक है, फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसके बाद नेक्स्ट 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, अप टू कहाँ तक चलेंगे, 10 पोटैटोज तक. अब एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट. अब एक जो रेस हो रही है तो ऑब्वियस है उसके अंदर कुछ पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होंगे. अब एक कॉम्पिटिटर ने स्टार्ट किया फ्रॉम द बकेट, बकेट से इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, उस तक सबसे पहले गया, पोटैटो पिक किया, रन बैक विद द पोटैटो एंड इनपुट इन द बकेट. मतलब यहाँ से गया वो 5 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, फिर पोटैटो पिक किया, उसके बाद वो वापस गया और पोटैटो को उसने किस में डाल दिया, बकेट में. अब इसी तरह से उसके बाद वो बकेट तक पहुंच गया, दोबारा से गया, फिर कहाँ गया, सेकंड पोटैटो के पास. मतलब जब सेकंड पोटैटो के पास गया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 तो ये वाला किया ही, उसके बाद नेक्स्ट 3 वाला भी. मतलब जैसे ही वो बकेट से सेकंड पर गया उसने टोटल 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. 8 का करते ही फिर वो वापिस आया, तो 8+8 कितना हो गया, 16. पहले किया 5 और वापिस गया 5, टोटल 10. ऐसे ही फिर गया 8, वापिस आया 8, 16. ठीक है, इसी तरह से उसने प्रोसेस को कंटिन्यू रखा. अब उसके बाद ये बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, कि जो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया. टोटल डिस्टेंस मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमें, SN. ठीक है, अब आपके पास ये नंबर्स हैं, जैसे कि बकेट है, बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर फर्स्ट पोटैटो है, तो जो पर्सन गया उसने 5 मीटर का कवर किया पहले, फिर वो वापिस आया. ठीक है, तो वापिस आया तो टोटल दोबारा से 5 हो गया उसका, मतलब उसका डिस्टेंस डबल हो गया, 10 हो गया. ऐसे ही फिर वो नेक्स्ट गया तो 5+3 कितना हो गया उसका डिस्टेंस, 8 हो गया. उसके बाद फिर वो वहां से वापिस भी गया तो उसका डिस्टेंस उसमें भी क्या हो गया, डबल, मतलब कितना हो गया, 16. ऐसे ही कंटिन्यू नेक्स्ट में 5+3 8 8+3 11 11 का डबल कितना हो जाएगा, 22. मतलब इस टाइप से उसकी जो है वो कंटिन्यू रहेगी कि सबसे पहले डिस्टेंस है 5, फिर 5 का 3 8, 8 और 3 11, क्योंकि 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर पोटैटो रखे हुए हैं, तो 5, 8, 11 इस टाइप से आपका डिस्टेंस है अप टू 10 टर्म्स तक का. अब उसके बाद जैसे जितना वो जा रहा है लेने के लिए उतना ही वो वापस भी आ रहा है, तो हर एक केस में जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, उनकी मल्टीप्लाई, मतलब वो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डबल. ठीक है, तो क्या लिख देंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर इज एस, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, सबसे पहले उसने क्या किया 5 का और 5 वापस आया उसका डबल हो गया. ऐसे ही फिर डबल हो गया किसका, 5+3, फिर ऐसे ही 2+5 पहले वाला, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, इस टाइप से वो कंटिन्यू रहेगी. अब 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया. 5+3 8 8 2 16, 5+3 8+3 11 11 2 22, एंड अप टू सो ऑन. कितनी टर्म्स का, अप टू 10 टर्म्स, क्योंकि कितने पोटैटोज हैं टोटल, 10. अब आपने इनका SN निकालना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, SN. अब A की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 10. D की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू 6. अब N की वैल्यू टोटल 10 टर्म्स हैं तो N की वैल्यू 10 आ गई. अब SN का फॉर्मूला N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10. 10 बाई 2 2 इंटू A की वैल्यू है 10, N माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हो गई 6. अब 2 5 10, तो 5 इंटू 20 प्लस 10 माइनस 1 9 9 6 54. तो 5 की मल्टीप्लाई 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा,
74 अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 कैरी 2 7 5 35 2 370 मतलब जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 370 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जिसमें उसने 10 पोटैटोज को पिक किया सो अवर टोटल डिस्टेंस इज 370 मीटर।